हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंडिया। आज हम करेंगे क्लास थर्ड की न्यूमरेसी की वर्कशीट नंबर 16 और हमारी डेट है आज की 4 फरवरी 2022। इस वर्कशीट की थीम है मनी यानी पैसा, इसे मुद्रा भी कहते हैं। आओ अपनी मुद्रा पहचाने। संदीप 7 साल का बच्चा है, उसे अलग अलग चीज़ें इकट्ठा करना और उनको देखना अच्छा लगता है। वह उन चीज़ों से संबंधित बहुत सारे सवाल अपने मम्मी पापा से पूछता है। उसके मम्मी पापा भी घर में जब भी कोई नई चीज़ लाते हैं तो उसे अवश्य दिखाते हैं। आज जब उसकी मम्मी बाज़ार से आई तो उन्होंने उसे 20 रुपये का नया सिक्का दिखाया। वह 20 रुपये के सिक्के को गौर से देखने लगा और उसने देखा कि सिक्के पर शब्दों में भी 20 लिखा था। चलिए प्रश्न करते हैं, क्या आपने 20 रुपये का सिक्का देखा है? हाँ देखा है, मैंने 20 रुपये का सिक्का देखा है। सिक्के पर शब्दों में 20 किस तरह से लिखा होता है, क्या आप नीचे लिखकर दिखाएंगे? आप अपने बड़ों की मदद से भी लिख सकते हैं। बच्चों, 20 शब्द में इस तरीके से लिखा होता है। क्या सभी नोटों में भी संख्या इसी तरह से लिखी होती है? हाँ, सभी नोटों में भी संख्या इस तरह से लिखी होती है। जैसे ये देखिए, ये एक 100 रुपये का नोट है, इसमें भी 100 रुपये लिखा होता है। आइए साथ में 100 रुपये का जो नोट दिया गया है उसे देखते हैं और यह लिखते हैं कि नोट पर 100 किस तरह लिखा गया है। 100 को शब्दों में इस तरह लिखा गया है, 100। आगे देखिए, सभी तरह के नोटों पर दोनों तरीकों से शब्दों व अंकों में कीमत को लिखा जाता है। अगर 50 और 200 के नोट पर शब्दों में संख्या लिखी होगी तो वह कैसे लिखी होगी, हमें लिख करके दिखाना है। जैसे 50 रुपये के नोट पर 50 शब्दों में इस तरह लिखा होगा, 200 रुपये के नोट पर 200 शब्दों में इस प्रकार लिखा होगा। अगर नीचे दी गई संख्याओं के नोट होते तो उनमें संख्या किस तरह से लिखी होती? देखिए, अगर 250 रुपये का नोट होता तो उसमें 250 रुपये 250 रुपीज़ इस तरह लिखा होता। 175 में 175 रुपये 175 रुपीज़ लिखा होता। 900 में ऐसे 900 रुपये 900 रुपीज़ लिखा होता। इसमें लिखा होता 380 रुपये 380 रुपीज़ और इसमें लिखा होता 825 रुपये 825 रुपीज़। आगे देखते हैं, संदीप ने अपनी मम्मी से 10 रुपये का नोट मांगा और उसने देखा कि नोट पर 10 की संख्या को शब्दों में अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ था। आप भी 10 रुपये का नोट लीजिए और उसे ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है, नोट पर 10 कितनी भाषाओं में लिखा हुआ है? बच्चों, नोट पर 10-17 भाषाओं में लिखा गया है। आप भी 10 रुपये का नोट देख करके उसमें चेक कर सकते हैं। क्या आप कुछ भाषाओं के नाम बता सकते हैं? उनमें जो भाषाएं लिखी हैं उसमें भाषाएं हैं हिंदी, अंग्रेज़ी, पंजाबी, उर्दू, बंगाली। बच्चों, यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट ख़त्म होती है। अन्य विषयों की वर्कशीट के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें।